हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडी। एक और नया दिन एक और नए डिश के साथ आज मैं बना रही हूँ बनारस की फेमस टमाटर चाट। बहुत ही तीखी चटपटी मजेदार सी रेसिपी है, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो आप बनारस से नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बनारसी चाट का मजा घर बैठे ले सकते हैं। तो चलिए आज की एक मजेदार सी तीखी चटपटी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बनारसी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 टमाटर को रफली चॉप करके लिया है, 2 बॉइल्ड आलू के लिए है, और यहाँ गार्निशिंग के लिए मैंने छोटे वाले नमक पारे लिए हैं। बनारसी चाट में यही वाले नमक पारे डाले जाते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक ग्रेट करके लिया है, 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप और हरी मिर्च ले सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस लिया है और थोड़ा सा काजू लिया है। तो चलिए हम अपने चाट की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला सिरप बनाएंगे। ये बनारसी चाट की एक स्पेशियलिटी है, आपको बनारस में ही मसाला सिरप वाली चाट मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप शुगर ले लिया है। मैं यहाँ से 3 से 4 लोगों के लिए चाट बना रही हूँ इसलिए मैंने 1/4 लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग सिरप बना सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप पानी और शुगर को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो शुगर मेल्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी और 1 पिंच हींग ऐड करूंगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करूंगी और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक चिपचिपा सा स्टिकी सा हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो ये देखिए, ये थोड़े चिपचिपे हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे एक साइड ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है और अब मैं इसमें काजू फ्राई करूंगी। काजू को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बनारसी चाट में ऊपर से देसी घी डाले जाते हैं, ये काजू वाले देसी घी, तो चाट का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो ये गोल्डन हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैंने उसी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट जो ट्रेडिशनल बनारसी चाट होता है उसमें देसी घी ही यूज होते हैं। तो जीरा हल्का सा चटक जाए उसके बाद मैं इसमें अदरक और मिर्ची ऐड करूंगी और इन्हें हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, अब हम गैस को थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि मसाले थोड़े ठंडे हो जाए, इससे मसाले जलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने खटाई ऐड किया है, ये होममेड खटाई है, मेरे चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 1/2 टीस्पून यहाँ पे व्हाइट सॉल्ट ऐड किया है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप पानी भी ऐड करूंगी और अब मैं इसे ढककर 10 मिनट पकाऊंगी। तो 10 मिनट हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं इसमें बॉइल्ड आलू ऐड करूंगी और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर भी मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी और इसे भी मैं ढककर 5 मिनट पकाऊंगी ताकि आलू भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर और आलू बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, एकदम मजेदार सी टमाटर चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डालूंगी, आपको अगर ज्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप नींबू स्किप कर सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डालूंगी। तो मजेदार सी टमाटर चाट बिल्कुल रेडी है, आप देखिए है ना, बिल्कुल बनारसी टमाटर चाट जैसी। तो अब मैं फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कुल्हड़ ले लिया है, बनारसी चाट जो है वो कुल्हड़ में ही सर्व किए जाते हैं, बहुत ही मजेदार सी चाट होती है। और यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करूंगी और थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मसाले वाली चाशनी बनाई थी ना
दो तीन चम्मच भर भर के मैं इसे डालने वाली हूँ। आपको जितना मीठा पसंद उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे देसी घी और काजू ऐड करूंगी। इसके ऊपर से धनिया पत्ते स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद नमक पारे स्प्रिंकल करेंगे। तो मेरी तीखी चटपटी बनारसी चाट बिल्कुल रेडी है। बिना लहसुन प्याज की बनारसी चाट बहुत ही मजेदार सी होती है। बनारस से बाहर ये बनारसी चाट का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो इसमें चाशनी पड़ती है ना, वो इसके फ्लेवर को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो आप बनारस के नहीं भी हैं तो क्या हुआ, आप घर बैठे इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।